पे लगवा दिया। अरे बंडवारी, तू अपने बेटे को पढ़वाता क्यों नहीं? अरे ससुरा कहा करेगा पढ़ लिख कर, अफसर तो बनने से रहा, मजदूर का बेटा है, मजदूरी करेगा ना। जो तकलीफ हम उठा रहे हैं वो हमारे बच्चे क्यों उठाए? अब पूरनपुर गाँव है ना, सरकार ने मुफ्त में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशाला खोल रखी है। पूरनपुर गाँव? अरे तीन कोस दूर बच्चे को लावे ले जावे का झंझट कौन मोल ले? बनवारी थोड़ा बहुत झंझट कर लेगा तो तेरे बेटे की जिंदगी सफर जाएगी। मुझे देखो, आज तक दुख है कि मैं अनपढ़ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरे तरह अनपढ़ हो। बस अब ये तोरी पढ़ाई लिखाई की बातें हमारी समझ में तो आती नहीं, और ससुरा ऊपर से वो चौधरी। झाड़ी लो, चलो लो। होई गई पढ़ाई लिखाई, चलो अपनी दिहाड़ी दे लो। चलो धनुआ, आजा धनुआ, आजा आजा बिटुआ, आजा। हाँ चल।
चल भाई लगा अंगूठा, चल ले निकल ले, चल भाई आजा लगा अंगूठा। अरे अरे कितने साल हो गए अंगूठा लगाते लगाते, अभी तक अकल नहीं आई कहाँ अंगूठा लगाना है। मेरी जन्म कुंडली कैसे कैसे गवार लिखे, भाई लगा अंगूठा ला, इधर लगा हीरा लाल, चल 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 भाई लगा। अरे हाँ हो गई यार, नमस्ते, चल लगा जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, चलिए रे पागल, चल 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 भाई लगा। अरे ढूंढ क्या रहा है यार, जंगल है क्या, कागज है, इधर लगा। हाँ चल जा, हाँ रुक जा, ले ये ले, ये ले पैसे तो ले, चल फटाफट। समझ गया ना तू बंसी? हाँ हाँ, पाठशाला में राधा से दूर रहे तो हमारे मालिक चौधरी साहब की बेटी है, चल। अरे अभी तो बिछुआ पढ़कर आया और आते ही डांटने डपटने लगे, चल बेटा तू हाथ मुंह धो, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, अभी आता हूँ। अरे हमें भी तो कुछ खिलाओ, हम भी खेतों से मजदूरी करके आ रहे हैं, हमें तो कुछ पूछती नहीं हो आजकल तुम्हें। आप भी बस हमेशा मजाक ही करते रहते हैं, जाइए पहले गंगू के घर हुआइए, वहाँ से आपके लिए दो बार बुलावा आ चुका है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? शहर से कोई कोनापटी चिट्ठी आई है, शायद कोई बुरी खबर है। कोनापटी चिट्ठी, तब तुझे फौरन जाना चाहिए। हाय भैया मेरी बाल, खाना खा ले। अरे मां, बापू कहाँ चले गए? अरे वो बाद में आवेंगे, गंगू के घर तक है, तू पहले खाना खा। तो मैं भी जाता हूँ। अरे तू क्या करेगा वहां जाके, पहले खाना खा ले, चल। मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, बापू के साथ ही खाऊंगा, मैं अभी बापू को लेकर आता हूँ। अरे मोरी मैया, ये दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हैं। अरे अरे ये कैसा हुआ ये सब? कई दिनों से मेरी बहू बीमार थी और अस्पताल में थी, और बिलासपुर से ये कोना पट्टी चिट्ठी आई, जरूर मेरी बहू चल बसी होगी रे। बापू क्या हुआ, ये सब रो क्यों रहे? क्या कर सकता है चाची? बापू क्या हुआ इन सबको? अरे बंसी बेटा, वो बिलासपुर सिंह की चिट्ठी है ना, कोनापट्टी चिट्ठी है, बहू मर गई है। कोनापट्टी चिट्ठी? अरे बापू, चिट्ठी में तो कोई बुरी खबर नहीं है। क्या? चिट्ठी में तो लिखा है कि शांति चाची को लड़का पैदा हुआ है। क्या? बस तीन चार दिनों में अस्पताल से तो छुट्टी मिल ही जाएगी। क्या कहते हो? और क्या लिखा? अगले पूजन मासी को छोकरे का नाम रखने वाले, बहू को लेकर आना, ऐसे लिखा है। किस से पढ़वाते भैया, गांव में सारे तो अनपढ़ मजदूर हैं, और फिर बंसी बिटुआ की तरफ किसी का ध्यान नहीं नहीं गया। हम लोग सच्ची में एकदम ही गवान हैं। लेकिन भैया मानो या ना मानो, चिट्ठी का कोना तो फटा हुआ था। किसी कारण फट गया होगा वो, अब शहर में ये सब बातें मानता कौन है? आज ऐसा लग रहा है कि जीवन में पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। सच हीरा भैया, तुम बहुत समझदार हो, बंसी बिटुआ को पढ़ने को जो भेजे। बेटा किसका है? बहुत होशियार है हमारा बंसी बिटुआ। ठीक है चाची, फिर हम लोग चलते हैं, मिठाई खाने आएंगे, और सबसे ज्यादा मिठाई बंसी को खिलाएंगे। देखा, हीरा ने बहुत अच्छा किया जो अपने बंसी को पढ़ा दिया। काश हमारा गंगवा भी पड़ता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। अरे तुम्हें तो चाहती थी उसको नहीं पढ़वाना है, मगर अब कहती हूँ कि कल से ही उसकी पढ़ाई शुरू करवा दो। बापू ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू,
तूने सचमुच आज मेरा बहुत मान बढ़ाया रे। ओफो बापू, हमने नहीं हमारी पढ़ाई ने। सच जिंदगी में पढ़ाई कितनी जरूरी है ना रे। मेरा यही सपना कि तू खूब पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा बापू। मुझे अब तक लगता था कि मैं अनपढ़, लेकिन तेरे पढ़ जाने से मुझे बहुत खुशी मिले रे। ओफो बापू, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। हट हट, अभी कोई उम्र है मेरी पढ़ने की? अरे मास्टर जी कहते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर इंसान कोशिश करे तो किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। सच? इधर इधर, हाँ चलिए ले चलता अपन। चल भाई लगा, ये इधर लगा, इधर गलत नहीं लगाना। हाँ चल, अबे गुस्से में क्या देख रहा, चल निकल ले। चल भाई लगा, चल लगा अंगूठा। अरे देख क्या रहा है, मेरा मुंह देख रहा है? अंगूठा लगा, अंगूठा भाई जल्दी। अरे अरे क्या उठा, अरे कलम है भाई। अब मैं अंगूठा नहीं सही करूंगा। आ? सही करेगा? देख हीरा लाल। हीरा लाल? हाँ। अरे भाई तू तो लिखना सीख गया। लिखना नहीं बस पढ़ना भी सीख गया हूँ। पढ़ना सीख गया? हाँ। पढ़ना लिखना सीख गया? हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख गया तो ठीक है। ये ले, जा जा जा। थंकू। क्या कुछ ज्यादा ही पड़ गया लगता है। जयराम जी की। जयराम जी की, जयराम जी की। चले लगा दे अंगूठा। ये ले। अरे अच्छा ये ले भाई, ये 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 ले, ये 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 ले, ये ये ये। अरे क्या करेगा, क्या अंगूठा लगाएगा ना? कैसा ही करेगा? हाँ हाँ अंगूठा ही लगाएगा। चल ठीक है। हाँ दाल में कुछ काला है कि ये ससुरा मुनीम हमसे ज्यादा पे अंगूठा लगवाता है और कम पैसे देता है। ठीक कह तो हीरा भैया, एकदम ठीक कह तो। हम सब ठहरे अनपढ़ गवार, हमका कहा मालूम उस बही खाता पे का लिखा हुआ है। वो ससुरा मुनीम जहाँ अंगूठा लगवावत है हम बड़े प्यार से लगा ही देते। यानी जो चौधरी का मुनीम है वो हम लोग का सामने ही हम लोग को लूट रहा है। और काहे नहीं लूटेगा भैया, काहे नहीं लूटेगा? अरे उसको तो मालूम है ना हम सब लोग जो अंगूठा छाप जो ठहरे। हीरा भैया ये तो हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। भैया हम तो पहले ही जानते थे कि हमारे अनपढ़ होने का फायदा कोई ना कोई तो जरूर उठाएगा। इसका मतलब जो हमरे साथ हो रहा है वो कल हमारे बच्चा लोगन के साथ भी होगा। ये अत्याचार है, अत्याचार है ये सब, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ अरे बनवारी थोड़ा धीरज से काम लो, ऐसा गुस्से से क्या होगा भाई। हीरा भैया तुम सचमुच बहुत समझदार हो। अरे बंसी बिटुआ को पढ़ने को जो भेजे। बनवारी भैया हम सबको चौधरी साहब से बात कर लेनी चाहिए। तो कहा होगा उससे? अरे पगले कहा होगा उससे, कोई लोग खाता बदल देंगे। अरे हम लोग पढ़े लिखे हैं का? अरे भैया ये सब बतौत करने से कुछ होना ही होगा, कुछ होना ही होगा ये सब बतौत करने से। पहले जो हम लोग के अंदर जो कमी है ना वो करा के दूर करेगी चाहिए, ताकि अब से
अब से कोई हम लोग के मूर्ख नहीं बना सके। तो इसका मतलब अब हमको पढ़ना चाहिए? बिल्कुल। इसका मतलब है इस उम्र में हम सब लोगों को पाठशाला जाना होगा क्या? चुप कर, चुप। तनिक बात हुई नहीं खीसा निपुरन लगे ही। अरे घीसू भैया ठीक ही तो कहते हैं, जब हीरा भैया पढ़ सकते हैं तो हम सब लोग काहे नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते तुम लोग। अब सोचे वाली बात ये है कि हम बूढ़े तोतन को पढ़िए कौन? आज मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को रोज पढ़ाया करूंगा। मास्टर जी कहते हैं कि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से कम नहीं होता। अनार। और क्या होता है अ से? अंगूर। चाची लिखो अंगूर। अंगूर। हाँ तो अब लेते हैं ब। ब से होता है बंदर। बंदर। क से होता है कौवा। बात बहुत छोटी है लेकिन कल जाकर चौधरी साहब को बताना बहुत जरूरी है। बताऊं मैं आना तो नहीं चाहता था हुजूर, लेकिन गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं जो आपको इस वक्त तकलीफ दी। अब सुखिया मुनीम करे भी तो क्या करे हुजूर, आपका नमक खाता है ना, आपका नुकसान होते हुए तो देख ही नहीं सकता। हाँ अबे काम की बात कर सुखिया, काम की। अब काम की बात तो ये है हुजूर कि इस गांव के सारे मजदूर आप ही के खेतों पर तो काम करते हैं, आप जो दिहाड़ी तय करते हैं हम उनको दे देते हैं। हुजूर बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। वो हीरा लाल है ना, हीरा लाल थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गया है और दूसरे मजदूरों को भी पढ़ने लिखने के लिए भड़का रहा है। बकवास मत कर सुखिया, इस गांव में कोई मजदूर पढ़ा लिखा है क्या? नहीं, नहीं। हीरा कहां से पढ़ गया रे? वो क्या है हुजूर के हीरा लाल का एक बेटा बहुत ही बदमाश है, वही मजदूरों को रात भर पढ़ाता रहता है। किसी ने ही तो हीरा लाल को पढ़ना लिखना सिखा दिया। पहले तो ये अंगूठा ही लगाता था हीरा लाल, अब कहता है हम सही करूंगा। बताइए एक बार सुखिया, मजदूरों का काम क्या है? मजदूरी करना हुजूर, खेतों में मजदूरी करना। और ये लोग पढ़ने लिखने लगे तो हमारे खेतों में मजदूरी कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हुक्का पानी कौन भरेगा? समझ गया ना? समझ गया हुजूर, बिल्कुल समझ गया। जा मास्टर दीनानाथ को बुला के ला। अभी बुला कर लाता हूँ हुजूर, अभी बुला कर लाता हूँ। पढ़ना लिखना सीखेंगे, जवाब दो पढ़ेंगे दिखा क्या। अरे प्रणाम मास्टर जी। जीते रहो बेटे। क्या हुआ मास्टर जी? बंसी अब तुम इस पाठशाला में नहीं पढ़ सकते। क्या? क्योंकि तुम्हारा नाम काट दिया गया बच्चे। लेकिन लेकिन मास्टर जी मेरा कसूर क्या है? कसूर तो बेटे मैं नहीं जानता, मुझे आदेश ही ऐसा मिला है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता बेटे, मैं कुछ नहीं कर। मास्टर जी मेरी बात तो सुनिए। चौधरी ने बंसी का नाम पूरनपुर पाठशाला से कटवा कर अच्छा नहीं किया। सुसु भैया अब हमका यकीन होता जा रहा है कि चौधरी का मुनीम जरूर ज्यादा पर अंगूठा लगवा कर हमको कम पैसा देता रहा होगा। वो तो ठीक है लेकिन बंसी का क्या कसूर था जो उसके साथ ऐसा सलूक किया? यही ना कि हम लोगों को शिक्षा दे रहा था। यानी चौधरी चाहता है कि हम उम्र भर अनपढ़ बने रहे। चौधरी के अत्याचार बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं, तो हमें चौधरी से बात करनी चाहिए। अब इस चौधरी का न्याय हम लोग और नहीं सह सकते। बिल्कुल नहीं भैया नहीं, चौधरी से बैर लेना अच्छी बात नहीं,
तुम लोग हमारी चिंता ना करो, हम आज ही गांव छोड़ देंगे। हाँ भाइयों, हम लोग बंसी को लेके आज ही इस गांव से दूर चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे मास्टर जी, आप यहाँ हमारे गांव में? हाँ, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। हीरा बंसी का पाठशाला से नाम कटने का मुझे बहुत दुख है। इस जाति के लिए चौधरी साहब से बात करने मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। चलिए मास्टर जी, चलिए। अरे अरे अरे, हमारी छोटी सी राधा बिटिया कितना काम करती है। क्यों बेटी, अभी तू क्या कर रही है? बापू, मैं पाठशाला का काम कर रही हूँ। अरे अरे बेटा, तुझे तो खांसी है, दवाई नहीं ली तूने? मैं तुझे अभी दवाई देता हूँ। रामू रामू। आया मालिक। देख, खांसी की दवाई अलमारी में रखी है, जरा लाके राधा बिटिया। हुजूर, 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 हुजूर। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैंने जो कहा था वही सच हो गया। क्या बात है? देखिए ना हुजूर, वो हीरा गांव वालों को भड़का कर आपके घर की तरफ लेकर आ रहा है। क्या? उसकी ये हिम्मत? ठीक है, तू राधा बिटिया को दवाई दे, मैं भी आता हूँ, देखता हूँ उसे। चल मेरे साथ। जी चल। आओ बिटिया। क्या तमाशाई, क्या चाहते हो? चौधरी साहब, अगर छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो हम लोग एक फरियाद लेकर आए हैं आपके पास। क्या फरियाद लाए हो? आप हीरा के बेटे बंसी का नाम पूरनपुर पाठशाला से कहां कटवा दिए? चौधरी साहब, हम आपके मजदूरी करते हैं, आप हमारा और हमारे बच्चों के पढ़ने का हक मत छीनिए। बंसी इस गांव का होनहार बालक है, उससे उसकी पढ़ाई का हक छीनना उसके लिए बहुत बड़ा अन्याय है। देखिए चौधरी साहब, अब हम सबकी आंखें खुल चुकी है, अब गांव के सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। भूखे मरोगे भूखे। अरे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इतने साल से रोटी मैं दे रहा हूँ, यह पाठशाला नहीं। तुम्हारे बच्चे अगर पाठशाला जाएंगे, मेरे खेतों में मजदूरी कौन करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। मालिक 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 मालिक, देखो अपने राजा बिटिया को क्या हो गया। मालिक, क्या हो रहा था बिटिया को? दवाई दी तूने? हाँ हाँ, ये दी थी। ये दवाई दी राधा बिटिया को? हाँ मालिक। बेअंता है क्या? दिखता नहीं शीशी पे जहर लिखा है? अरे जहर है ये, जहर। माफ करना मालिक, मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैं ठहरा अनपढ़ गवार। मुझे क्या मालूम उसमें क्या लिखा था। राधा बिटिया, बेटी राधा, मेरी बेटी। मेरी बच्ची राधा, राधा मेरी बच्ची। देखी वो क्या हुआ बापू? राधा मेरी बच्ची, तू ठीक है मेरी बच्ची? मेरी राधा बच गई बेटी, वो दवा? नहीं बापू, हमने तो दवा गिरा दी, क्योंकि रामू काका के हाथ की शीशी हमने पढ़ ली थी, उसमें तो जहर था। मेरी बच्ची। देखा चौधरी साहब, आज राधा की पढ़ाई से उसकी जान बच गई है। वाहिरा, तुम्हारा, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे बच्चे पढ़ाई करें। तुम लोगों के अनपढ़ होने का मैं फायदा उठाना चाहता था, पर आज प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरी समझ में आ गया है कि आज के ये नन्हे बच्चे कल की तकदीर हैं। इनके नन्हे नन्हे कदम कल बहुत बड़े फासले तय करेंगे।
वादा करता हूँ तुम सबके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा आज से मेरा होगा। मेरा क्यों सुखिया? बिल्कुल ठीक है हुजूर, बिल्कुल ठीक है। बात छोटी है लेकिन बहुत काम की है। आज सुखिया को भी समझ गया है कि हर आदमी की जिंदगी में पढ़ाई बहुत 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 जरूरी है।